140 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, नए राष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया के बारे में मुझे आशा है कि राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा संभवतः कल तक की जा सकती है और सभी लोगों की ओर से नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव अगले माह इस जुलाई के आसपास होने की उम्मीद व्यक्त की है। सूत्रों के अनुसार कल राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा रही है। इसके साथ ही एक सप्ताह के अंदर चुनाव अधिसूचना विधिवत रूप से जारी कर दी जाएगी। प्रावधान के मुताबिक अधिसूचना जारी होने के 31 दिन में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद 14 दिन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद एक दिन नामांकन पत्र के जांच पड़ताल करने के लिए होते हैं और 2 दिन नामांकन पत्र वापसी के लिए रखे जाते हैं और उसके 14 दिन बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सूत्रों के अनुसार इसी बीच राष्ट्रपति पद के चुनाव से गैर गंभीर प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार की तरफ से आज रात एक अध्यादेश जारी किए जाने की संभावना है। ऐसा समझा जाता है कि विधि मंत्रालय ने इस अध्यादेश को अंतिम रूप दे दिया है तथा आज शाम तक इसे मंत्रिमंडलीय मंजूरी मिलने की आशा है। सूत्रों के अनुसार ऐसी भी संभावना बढ़ गई है कि उसके बाद ही यह अध्यादेश राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर किए जाने के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार यह कानून संभवतः आज रात से प्रभाव में आ जाना चाहिए। कल घोषित होने वाला राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम केवल इसी कानून की परिधि में कराया जाएगा। आज सरकारी तौर पर जो बात मुझे सूचित की गई है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे निवेदन के साथ पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका कार्य आप शीघ्र ही आरंभ करने जा रहे हैं, इस परियोजना के ऊपर कितना खर्च रुपया होगा? जो मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नलकूप की समस्या के समाधान के लिए लगभग 13 करोड़ रुपए की योजना के कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ किया गया है। इनमें से पूरे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के लिए तैयार की गई इस समग्र योजना के विभिन्न कार्यों पर 8 करोड़ रुपए व्यय होंगे। निर्धारित क्षेत्र में परीक्षण प्रयास पर करीब 5 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च हो जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में आयोजित हुई बैठक में भाग लेते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नलकूपों की समस्या के समाधान के उपायों की समीक्षा कर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं और इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से गांव के आसपास 3500 हेक्टेयर भूमि में 5 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत वाली योजना से नलकूप लगाने की परियोजना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए वे धन्यवाद के पात्र हैं कि इस वर्ष मार्च तक 60 नलकूपों का निर्माण कार्य प्रारंभ करा चुके हैं तथा शेष निर्माण कार्य अप्रैल माह के अंत तक प्रारंभ कर प्राथमिकता के तौर पर पूरा करा लिया जाएगा। इस प्रारंभ की गई इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत गांव की सड़क के किनारे पर नलकूप खोदे जाएंगे।